सब्सक्राइब करें होममेड खाना यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाऊंगी मावा ब्रेड रोल। इसको बनाने के लिए हमने लिए है 500 ml दूध, 2 टेबल स्पून शक्कर, 50 ग्राम मिल्क पाउडर, थोड़ा सा बादाम, चिरौंजी, पिस्ता जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 चुटकी इलायची पाउडर, थोड़ा सा जाफरान जिसको पानी में पहले से भिगो कर रख लिए हैं, 1 प्याली मावा, 2 चम्मच घी, 5 से 6 ब्रेड स्लाइस, 1/4 चम्मच। अब हम दूध को एक पैन में डालकर चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। अब इसमें डाल देंगे शक्कर। अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। इसको चलाते रहेंगे ताकि गुठलियां ना पड़ने पाए। अब इसमें डालेंगे जाफरान, इलायची पाउडर, दूध को इतना पकाना है कि हमारा दूध पककर गाढ़ा हो जाए। मैंने दूध को ज़्यादा नहीं जलाया है क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर भी डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध थोड़ा ज़्यादा लेकर जला भी सकती हैं जिससे दूध गाढ़ा हो जाए। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ मेवा। अब बनाएंगे मावा फिलिंग। पैन में घी डालकर मावा को भून लेंगे। मावा को भूनकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बनाएंगे ब्रेड रोल। इसके लिए ब्रेड की स्लाइस का ब्राउन हिस्सा काट कर निकाल लेंगे। ब्रेड को बेलकर इसमें मावा फिलिंग को भर कर रोल बना लेंगे। ब्रेड रोल बनकर तैयार है। अब इसमें डाल देंगे दूध जो मैंने बनाकर तैयार किया था। थोड़ा सा कटा हुआ मेवा मैंने बचा लिया था, उसको ऊपर से डाल देंगे और इसके ऊपर से मैं लगा रही हूँ चांदी का वरक। अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।